एवरीवन, आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रूल ऑफ लॉ को डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सीरीज में ये चौथा टॉपिक है। इससे पहले मैं तीन टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो स्पेशली बिहार पीसीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसके प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आइए इसको हम देखते हैं। रूल ऑफ लॉ, देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है, लॉ का रूल, विधि का शासन। कोई भी स्टेट जो है वो लॉ से गवर्न होनी चाहिए। सिर्फ स्टेट नहीं, वहां का हर सिटीजन, हर इंस्टीट्यूशन, हर एंटिटीज जो है वो लॉ से ही गवर्न या रूल होनी चाहिए। लॉ का मतलब होता है कि वेल एस्टेब्लिश्ड लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन। और इसी लॉ से स्टेट जो है वो गवर्न होता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी गवर्नमेंट की पर्सनल चॉइस से गवर्न होता है। इसके मीनिंग को भी हम और डिटेल में देखेंगे, उससे पहले कुछ बातें और देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो पूरा का पूरा रूल ऑफ लॉ के डॉक्ट्रिन पे ही बेस्ड है। वैसे तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट 4th सेंचुरी में बहुत सारे जूरिस्ट ने दिया था, जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू, लेकिन ये मेनली ओरिजिन किया गया सर एडवर्ड कुक के द्वारा, जो कि चीफ जस्टिस थे इन जेम्स आई रीन में, जिनके हिसाब से किंग के अगेंस्ट बैटल में जो किंग है वो भी लॉ के अंदर आना चाहिए। वो लॉ के अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो किंग है, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसी डॉक्ट्रिन को देखिए डेवलप किया गया है डाइसी के द्वारा। इनका पूरा नाम है एवी डाइसी, इनकी फेमस बुक में द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब हम रूल ऑफ लॉ के मीनिंग को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए ये जो फ्रेज है ये फ्रेंच फ्रेज से डिराइव हुआ है, लॉ प्रिंसिपे दे लिगैटी, जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। लॉ लीगैलिटी मतलब रूल ऑफ लॉ एक सिस्टम ऑफ लॉ है, जहां पे कोई पब्लिक अथॉरिटी हो या प्राइवेट अथॉरिटी हो, सब लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होनी चाहिए। स्टेट जो है वो किसी रूलर या डिक्टेटर से गवर्न नहीं होनी चाहिए, बल्कि लॉ से गवर्न होनी चाहिए। क्योंकि जब किसी डिक्टेटर से गवर्न होगी तो वहां पे लॉ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, वो अपने पर्सनल लॉ जो है वो लोगों पे थोपने लगेंगे। तो रूल ऑफ लॉ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। आप देखिए हमारा कॉमन लॉ जो है इंग्लैंड का पूरा इंग्लिश लीगल सिस्टम जो है वो रूल ऑफ लॉ के ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और बहुत सारी कंट्री ने इस डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया है। डाइसी के हिसाब से रूल ऑफ लॉ का तीन मतलब होता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले देखिए देखते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लॉ सुप्रीम है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि जो आर्बिट्रेरीनेस है वो पूरी तरह से एक्सक्लूड हो जाती है। आप देखिए जब भी किसी बॉडी को वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया जाता है तो वहां पे पूरा चांस होता है कि उस पावर को वो आर्बिट्रेरी रूप से यूज करेगा। आर्बिट्रेरीनेस इज टिपिकल ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ डेपोटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जिस कंट्री पे किसी रूलर या डिक्टेटर का राज रहा है तो वहां पे उन लोगों ने अपने पावर का कैसे मनमाने रूप से इस्तेमाल किया है, और उसकी वजह से वहां के लोगों के साथ बहुत इनजस्टिस हुई है। तो जब भी डिस्क्रिशन की बात होती है तो ये लॉ के अंदर आने चाहिए, लॉ के दायरे में आने चाहिए। इससे जो आर्बिट्रेरीनेस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, जो स्टेट का पावर है वो लॉ से ही ड्राइव होता है, लॉ ही ग्रांट करती है उस पावर को, और साथ ही साथ वो पावर जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज भी होना चाहिए। डाइसी के हिसाब से हर पर्सन जो है वो लॉ से रेगुलेट होना चाहिए, और सिर्फ लॉ से ही होना चाहिए। मतलब लॉ के ऊपर या लॉ के पैरेलल कोई और चीज नहीं है। लॉ सुप्रीम होने के साथ 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 अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिससे जस्टिस और फेयरनेस को भी सिक्योर किया जा सके। डाइसी साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वो लॉ के ही अकॉर्डिंग पनिश भी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उस ब्रीच के लिए पनिश होना चाहिए, ना कि किसी और एक्ट के लिए। देखिए इन सारी बातों में
आप इस चीज का ये मतलब मत समझिएगा कि जो लॉ है वो बहुत सिंपल होगा। लॉ खास भी हो सकता है, हायर डिग्री का भी हो सकता है, लेकिन जस्ट रीजनेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, इस बात से ये चीज पता लगा सकते हैं कि द रूल ऑफ रिक्वायर्स दैट गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू लॉ रादर देन द लॉ सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट। लॉ के अंदर जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट से लॉ रेगुलेट होगा। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे रूल ऑफ लॉ के डॉक्ट्रिन का। आइए इसके दूसरे मतलब को देखते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर पर्सन जो है वो लॉ के सामने बराबर है। एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजिशन एंड रैंक, चाहे राजा हो या देश का कोई आम नागरिक हो, लॉ के सामने सब बराबर है। No one is above the law, या कोई legal person जो है उसको किसी तरह का कोई privilege नहीं दिया जाएगा। No person shall immune from legal sanctions, और कोई भी person को ऐसा नहीं है कि किसी harsh या arbitrary treatment का सामना करना पड़े। देखिए, अगर एक राजा है और देश का कोई आम नागरिक है, इसने कोई ऑफेंस किया है और इसने भी कोई ऑफेंस किया है, जो ऑफेंस बराबर है, तो इन दोनों को सेम लॉ के अंदर सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये राजा है तो उसको कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो इम्यून हो जाएगा, और जो आम नागरिक है उसको किसी हार्श ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो डाइसी है वो देखिए फ्रेंच सिस्टम का फ्रेंच सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि फ्रेंच सिस्टम में एक सिस्टम है था ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके अंदर क्या था कि जो ऑफिशियल्स होते थे और जो देश के और नागरिक होते थे, उन लोगों के केसेस को ट्राई करने के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे, जो सीधे सीधे तौर पे इक्वालिटी का वायलेशन करते थे और रूल ऑफ लॉ का भी। तो डाइसी ने उसको क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि लॉ जो है वो किसी को भी किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, चाहे वो सेक्स, रिलीजन, रेस या कोई भी ग्राउंड हो, उस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि व्हाट एवरी मैन व्हाट एवर हिज रैंक और कंडीशन इज सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। ये होता है हमारा दूसरा मतलब। आइए हम तीसरा देखते हैं, जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, और वहां पे लोगों को उनके जो इंडिविजुअल राइट दिए गए हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिनको कोर्ट सिक्योर करता है। इसीलिए डाइसी कहते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई सोर्स नहीं है, बल्कि कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, किस चीज का, ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफाइंड बाय द कोर्ट्स। साथ ही साथ डाइसी कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ को सिक्योर करने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों के राइट्स हैं उनको रिटन फॉर्म में डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि सिर्फ बोल देने से और राइट को इन्फोर्स करने में दोनों में डिफरेंस होता है। और सिर्फ डिक्लेरेशन भी सफिशिएंट नहीं है, वहां पे इफेक्टिव मेजर्स भी प्रोवाइड होने चाहिए जो राइट्स को प्रोटेक्ट करें। और देखिए, जब राइट हमारा वायलेट होता है तो वो इनफोर्सिएबल होता है इन कोर्ट ऑफ लॉ, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो राइट के डिक्लेरेशन के साथ साथ वहां पे इफेक्टिव मेजर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसीलिए कोर्ट को जो है वो गार्जियन कहा जाता है इंडिविजुअल की राइट्स को, क्योंकि वो उनकी राइट्स को सिक्योर करता है, क्योंकि वायलेशन के केस में वो कोर्ट ऑफ लॉ में उस वायलेशन के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी सिक्योर करता है। तो आप इस पूरे डॉक्ट्रिन को देख लीजिए, रूल ऑफ लॉ को, जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल वीपन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं उनके पावर को लिमिट में रखने के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास में डिस्क्रिशनरी पावर होता है, तो वो उसको आर्बिट्रेरी रूप से इस्तेमाल ना करें। इसीलिए रूल ऑफ लॉ का डॉक्ट्रिन जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। ये बहुत ही ब्रॉड प्रिंसिपल है और रूल ऑफ लॉ को ऑलमोस्ट हर कंट्री ने अडॉप्ट किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन डेमोक्रेसी को डेवलप करने में रूल ऑफ लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ जो है वो जितने बेसिक फीचर्स हैं उसमें से एक है बेसिक फीचर रूल ऑफ लॉ भी। और देखिए, बहुत सारे प्रोविजंस में आपको रूल ऑफ लॉ देखने मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें प्रीएम्बल की, जो जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी को सिक्योर करता है। देखिए, पार्ट थर्ड जो फंडामेंटल राइट्स देता है वो इन्फोर्सिएबल है
और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का. इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स बता देती हूँ. जैसे देखिए आर्टिकल 13 जो लॉ को डिफाइन करता है, विच मीन्स लॉ ऑफ लैंड. अभी देखिए रूल ऑफ लॉ का जो पहला मीनिंग था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, उसको यहाँ पे सिक्योर कर रहा है. उसके बाद आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो है देखिए थर्ड मीनिंग को बताता है. आर्टिकल 21 सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट राइट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. और इन राइट का अगर वायलेशन होता है तो इसके लिए इफेक्टिव मेजर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं कि वो पर्सन जो है आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंदर हाई कोर्ट में मूव कर सकता है. तो आप देखिए कैसे रूल ऑफ लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको दिखने को मिल जाएगा. और हमारे जो कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनके पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, ये भी रूल ऑफ लॉ पे ही बेस्ड है. फिर देखिए गवर्नमेंट के जो तीन मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के सबॉर्डिनेट होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करते हैं. मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है. और ये वाला देखिए जो आर्टिकल 32 था, ये आपके थर्ड वाले मीनिंग को सिक्योर कर रहा है. आइए इंडिया में इससे रिलेटेड कुछ केस देख लेते हैं. देखिए इसमें बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ एक्सक्लूड्स आर्बिट्रेरीनेस एंड अनरीजनेबलनेस. इसके बाद एडीएम जबलपुर केस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जानते हैं. इस केस में ये इशू उठा था कि जो रूल ऑफ लॉ है क्या वो अदर फॉर्म में भी है इरेस्पेक्टिव ऑफ आर्टिकल 21. तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 इज आवर रूल ऑफ लॉ रिगार्डिंग लाइफ एंड लिबर्टी. यूसुफ खान वर्सेस मनोहर जोशी का एक केस है, यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि स्टेट जो है उसकी ड्यूटी होती है कि वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे और कोई भी ऐसा वायलेंट एक्ट नहीं होना चाहिए जो रूल ऑफ लॉ को निगेट करे. और मॉडर्न टाइम्स में भी रूल ऑफ लॉ के दो ग्रेट वैल्यूज हैं, वो है पहला कि आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए और इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो अपहोल्ड होनी चाहिए. तो आप देखिए रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इंडिया ने कैसे अडॉप्ट किया है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर जो है वो रूल ऑफ लॉ भी है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.